हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गु भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। जनाब, अभी तक हमने चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट कर लिया है, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में जरूर आते हैं बट वो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। बोले तो महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा लोग, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दो तीन वीडियोज लेकर आऊंगा मैं उन क्वेश्चन के ऊपर, बट आज की क्लास में 22.5 डिग्री सॉल्व करने वाला हूँ। बोले तो साइन 22.5, कॉस 22.5, टेन 22.5, कॉट 22.5। ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स। आप इन नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स को सॉल्व करो। फिर स्टैंडर्ड एंगल्स कौन से होते हैं? अरे 0, 30, 45, 60, 90, इन्हें हम स्टैंडर्ड एंगल्स कहते हैं। और ये क्या आपका नॉन स्टैंडर्ड एंगल है। ठीक है, चलिए मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं एक बात पूछना चाहूंगा आप लोगों से, 22.5 डिग्री को हम रेडियन में कितना कहते हैं? पाई बाय 8। कितना कहते हैं बच्चा लोग? पाई बाय 8। मेरी बात पे विश्वास नहीं है? चलो सॉल्व करते हैं पाई बाय 8 को। पाई बाय 180 लिख रहा हूँ, सॉरी, पाई बाय 8। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 22.5 डिग्री आएगा। चलो सॉल्व करता हूँ मैं, पहले दिखाऊंगा देन क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। चलिए हर एक एक चीज़ की लंका लगाएंगे जनाब। इसको डिवाइड करो आप, ये हो जाएगा 8 × 2 = 16, है ना, 20। ये भी हो गया 8 × 2 = 16, ये हो गया 4। तो क्या बच्चे लोग, मैं यहाँ पॉइंट लगाऊं और फिर यहाँ पे जीरो लगा दूं? ना मुन्ना ना, ये डिग्री में था ना, ये डिग्री में 4 डिग्री है ना। तो कहने का मतलब, अब डिग्री से छोटे यूनिट में चलो, मिनट में चलो, मिनट में। तो ये 4 डिग्री है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 × 4 = 24 मिनट, ये आ जाएगा 240 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है ना जनाब, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो 4 डिग्री में कितने मिनट? 4 × 60 कितना आ जाएगा? 240 मिनट्स। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। सो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल होके 8 × 24 और 0, तो कितना आ गया बच्चों लोग? 22 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो जनाब 22 डिग्री 30 मिनट्स को हम रेडियन में कितना कहते हैं? पाई बाय 8 कहते हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलिए अब क्वेश्चंस की हम लंका लगाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है आपसे, साइन 22.5 को सॉल्व करो। ओके, तो देखो जनाब, आपसे बच्चा लोग वो साइन 22.5 पूछे या कॉस 22.5 पूछे, आप हमेशा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना। किसका लगाना? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। ओके, देखो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला तीन तीन होता है जनाब। कौन कौन सा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या होता है बच्चा लोग? 2 cos² θ - 1, और ये क्या होता है? 1 − 2 sin² θ। यही तो तीन फॉर्मूले होते हैं cos 2 थीटा के, है ना। cos का फॉर्मूला दोनों की फॉर्म में, cos का फॉर्मूला cos की फॉर्म में, cos का फॉर्मूला sin की फॉर्म में। अब सवाल ये है कि अगर sin 22.5 है, sin 22.5 डिग्री है, बोले तो sin पाई बाय 8, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओ इनमें से? तो जनाब यहां पे साइन है ना, तो साइन वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगेगा बच्चा लो। ठीक है, सुनो, अच्छा एक बात बताओ, साइन 22.5 बोले तो क्या? साइन पाई बाय 8 डिग्री है वहां पे, यहां रेडियन में लिख दिया मैंने। ठीक है, लगाओ कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ बच्चा लो। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका साइन की फॉर्म में? 1 − 2 sin² θ। मैंने क्या कहा आप लोगों से? कॉस 2 थीटा का फॉर्म लगाइए अगर वो साइन 22.5 पूछे या फिर कॉस 22.5 पूछे। अब सवाल है कि कौन सा लगाया जाए, तीन तीन फॉर्मूले होते हैं। तो जब साइन 22.5 लिखेगा तो साइन की फॉर्म में, और जब कॉस 22.5 लिखेगा तो कॉस की फॉर्म में। इस फॉर्मूले की यहां पे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो बच्चा लोग मैं ना थीटा की जगह कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है, पुट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 8। ये पाई लिखा है जनाब, पुट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 8। थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? पाई बाय 8, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बच्चा लोग? पाई बाय 8। ठीक है यहाँ तक। अब ये देखिए 2 × 4 = कितना हो जाएगा? 8, और ये हो जाएगा 1 − 2 sin² पाई बाय 8। ठीक है जनाब, एक बात बताओ बच्चा लोग, अभी इसको हटा रहा हूँ थोड़ा, एक बात बताओ कॉस पाई बाय 4 कितना होता है? कॉस पाई बाय 4 होता है जनाब 1/√2, और ये हो गया आपका 1 − 2 sin² π/8। क्लियर है? एक काम करो, इस माइनस के 2 sin² π/8 को इधर ले आओ, तो ये किस चीज का हो जाएगा? प्लस का, और ये प्लस का 1/√2 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चा लोग? माइनस का। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं,
है ना, साइन स्क्वायर थीटा को या साइन थीटा का होल स्क्वायर को, बात तो एक ही है। अब यहां एलसीएम ले लीजिए आप, रूट टू माइनस वन बाय रूट टू, इस टू को नीचे ले आओ तो साइन पाई बाय एट का स्क्वायर रूट टू माइनस वन, और ये बच्चे लोग टू नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, टू रूट टू हो जाएगा। और एक बात बताओ, इस स्क्वायर को मैं उधर भेज दूं तो जब ये स्क्वायर इधर है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा ना। तो क्या मैं इस स्क्वायर को यहां से हटा के यहां भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा बच्चा लोग, है ना। तो ये लीजिए आपका साइन पाई बाय एट, बोले तो साइन साढ़े बाईस डिग्री का आंसर आ गया। डिफिकल्ट था कोई, इजी था ना, मैंने क्या बोला, साइन साढ़े बाईस बोले या कॉस साढ़े बाईस बोले, हमेशा कॉस टू थीटा का फॉर्मला लगेगा। अगर साइन साढ़े बाईस है तो कॉस का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में, फिर जहां जहां थीटा आपको दिख रहा है ना आप वहां पे पाई बाई एट पुट कर दीजिए। सो यहां पे क्या आ गया, कॉस पाई बाई फोर, और कॉस पाई बाई फोर क्या होता है यहां पे, वन बाय रूट टू, ठीक है। चलो फिर मैंने साइन पाई बाई एट को एक तरफ कर दिया और मेरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत जनाब, इजी क्वेश्चन था। अब बच्चा लोग मैं आपको भी दे रहा हूं करने के लिए, आप लोग भी साथ साथ करो और मैं भी करता हूं, देखते हैं कौन पहले करके दिखाता है, क्योंकि जो पहले करके दिखाएगा भीम के लड्डू खाएगा, ठीक है बच्चा लोग। तो चलिए बिना किसी देरी के, कॉस साढ़े बाईस डिग्री पे कैसे करोगे जनाब, मैंने क्या बोला, साइन साढ़े बाईस हो या कॉस साढ़े बाईस हो, हमेशा कॉस टू थीटा का फॉर्मूला ही लगेगा, ठीक है। तो लगा दो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, किसकी फॉर्म में, कॉस की फॉर्म में। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। अब देखिए पुट थीटा बोले तो पाई बाय एट, तो बच्चा लोग ये cos 2 और यहां पे थीटा कितना है, पाई बाय एट। सो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, कितना है जनाब, पाई बाय एट माइनस वन, ओके। सो जनाब ये हो गया 2 4 जा 8 पाई बाय 4, और ये हो गया 2 cos स्क्वायर पाई बाय एट माइनस वन। जनाब कॉस पाई बाय फोर कितना होता है, वन बाय रूट टू होता है, ठीक है बच्चा लोग, क्या होता है, वन बाय रूट टू होता है, और ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर पाई बाय एट माइनस वन। इस माइनस वन को इधर लाना जरा, तो ये प्लस का वन बन जाएगा, और ये हो गया टू कॉस स्क्वायर पाई बाय एट। एलसीएम लोगे तो रूट टू ऊपर आ जाएगा, रूट टू नीचे हो गया, है ना, और ये हो जाएगा टू, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं जनाब, बोलिए बच्चा लोग, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। अब देखिए ये टू नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया वन प्लस रूट टू, ये टू नीचे आ जाएगा, और ये बच्चा लोग ये स्क्वायर आके यहां पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, कॉस पाई बाय एट बोले तो ये, इजी क्वेश्चन था। चलिए जनाब बिना किसी देरी के चलते हैं टेन साढ़े बाईस डिग्री पे। अब जनाब सवाल ये है कि 10 पाई बाई 8 है तो कैसे करेंगे, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। जनाब इसमें लगाओगे आप 10 टू थीटा का फॉर्मूला, और 10 टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, बताना जरा 10 टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बता आप लोगों को, 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये होता है बच्चा लोग। 10 टू थीटा बोले तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह पुट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 8, ठीक है। तो ये हो गया 10 2, थीटा हो गया पाई बाय 8, 2 tan थीटा हो गया पाई बाय 8, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो गया पाई बाय 8। कोई दिक्कत बच्चा लोग यहां तक। अब इसके बाद देखिए, अब देखिए जनाब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 2 10 पाई बाय 8 अपॉन 1 माइनस, बच्चा लोग 10 स्क्वायर थीटा कहो या 10 थीटा का होल स्क्वायर कहो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है जनाब, है ना। और 10 पाई बाय 4 कितना होता है जनाब, 1 होता है, 1 कितना होता है, 1 होता है 1। बच्चा लोग अब मैं पता है क्या करने वाला हूं, मैंने इसको देखा ध्यान से, सो मुझे देखने के बाद ये पता लगा 10 पाई बाय 8 के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए 10 पाई बाय 8 को मैं वायलेट कर रहा हूँ। क्या लेट कर रहा हूँ जनाब, वायलेट कर रहा हूँ। तो 1 इज इक्वल्स टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, अरे ये क्या, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन गया, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना जरा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2y, सबको उधर ले जाओ, सबको उधर ले जाओ, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0, ये लीजिए जनाब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया।
करें बच्चा लोग सॉल्व बिना किसी तरीके, वैसे पूरा क्लियर वहां तक आ रहा है ना जी? कैसे करोगे बच्चा लोग? डिस्क्रिमिनेंट मेथड वाले से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ए तो हो गया 1, बी हो गया 2 एंड सी हो गया -1। तो डी होता है बच्चा लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2 का स्क्वायर ये 1 और ये -1, तो 4 माइनस माइनस प्लस का 4, तो ये कितना आ गया आपका 8 आ गया डी। ठीक है बच्चा लोग, अब इसके बाद चलिए आगे सॉल्व करते हैं, वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो आप लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और यहां तक नोट करो, ठीक है बच्चा लोग, बिकॉज मुझे ये मेरा पेज भर गया। ठीक है बच्चा लोग, मैंने क्या करा, 10 to θ का फॉर्म लगाया, जहां जहां थीटा था वहां मैंने पाई बाई 8 पुट कर दिया। ओके, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ये थोड़ा सा उन दोनों से जो है ना लेंथी है, लेकिन कुछ नहीं है जनाब, तुच्छ क्वेश्चन है, तुच्छ। चलिए इसके बाद देखिए बच्चा लोग क्या करेंगे, ये आपका 8 आ गया ना, ठीक है ओके। अब y इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है जनाब, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो y इज इक्वल्स टू b कितना था बच्चा लोग 2, और d कितना है आपका 8 अपॉन a कितना है 1। तो y इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 2√2/2। ठीक है, ऊपर से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, तो जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो यहां से क्या आएगा -1 ये √2/2, 2 से 2 बर्बाद। तो y इज इक्वल्स टू बच्चा लोग एक बार तो प्लस का √2 हो जाएगा है ना, और एक बार हो जाएगा क्या आपका माइनस का 1 माइनस का √2। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं √2 - 1, √2 1 से तो बड़ा होता है ना, ठीक है। सो y को था क्या, y था क्या जनाब 10π/8 था, और यहां से बच्चा लोग y की जगह, इस y की जगह फिर से मैं 10π/8 लिख सकता हूं, माइनस कॉमन ले लू, माइनस कॉमन ले लू। तो देखो रूट टू बोले तो 1.414 समथिंग, और 1 प्लस करूंगा तो जो भी आएगा एक प्लस की वैल्यू मिलेगी, और आगे कौन बैठा है माइनस, तो कुल मिलाकर ये क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो बच्चा लोग हमारे पास 10π/8 की दो दो वैल्यू आ गई, लेकिन इनमें से तो कोई एक ही होगा, कोई एक सही है और कोई एक गलत है। अब सुनो मेरी बात, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, एक बात बताओ। सीन्स पाई बाय 8 बोले तो बच्चा लोग कौन सा क्वाड्रेंट, 0 से लेकर पाई बाय 2, अरे पाई बाय 8 बोले तो 22.5 डिग्री, और 22.5 डिग्री बोले तो किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पाई बाय 8 है वो किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, 10 तो छोड़ो, सारे के सारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो आपके पॉजिटिव होते हैं। तो यानी कि 10π/8 भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। बोले तो देयरफोर 10π/8 जो है आपका वो क्या होगा बच्चा लोग, 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। सो 10π/8 जनाब कौन सा पॉजिटिव आंसर है आपका, √2 - 1। ऐसे समझे बच्चा लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते तो 10π/8 भी क्या होगा, वो भी तो पॉजिटिव होगा। तो ये आंसर नॉट पॉसिबल, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, बोले तो √2 - 1। क्लियर है बच्चों को, समझ आ गया, ठीक है। फिर डी है, डी कॉट 22.5, एक जादू दिखाऊं, जादू देखना चाहते हो क्या, कॉट 22.5 को कैसे करेंगे, अबे ऐसे ही करना, स्टार्टिंग में तुमने क्या करा 10 to θ का फॉर्मूला लगाया, थीटा की जगह पाई बाई 8 पुट करा, फिर एक क्वाड्रेट y मान के 10π/8 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, उसको सॉल्व करा, तो ये वैल्यूज आई, ठीक है दो वैल्यूज आई जिनमें से पॉजिटिव वाला आपका आंसर होगा। अब देखो क्या जादू दिखा रहा हूं, तो कॉट 22.5 के लिए बिल्कुल सेम काम, बिल्कुल यहां तक करना, कॉट 22.5 के लिए भी बिल्कुल सेम का सेम काम होगा जनाब, यहां तक समझ रहे हो। अब देखो क्या गेम खेलूंगा, अबे कॉट बोले तो क्या 1/10, कॉट थीटा बच्चा लोग, कॉट थीटा बोले तो 1/10 θ होता है ना ये, ठीक है। और बोले तो जनाब अब मैं कॉट पाई बाय 8 बोले तो क्या 1/10π/8, तो 1/√2 - 1। अरे रैशनलाइज करना चाहते हैं तो रैशनलाइज कर लो, और क्या कर सकते हैं ज्यादा, तो ये हो गया √2 + 1, √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया √2 + 1, √2 का स्क्वायर 2, 2 - 1, 1। तो इसका आंसर बच्चा लोग मैं यहां लिख देता हूं, क्या आएगा √2 + 1, कॉट 22.5 बोले तो √2 + 1, कोई दिक्कत, बिल्कुल सेम काम जो 10π/8 आया ना, आपको तो कॉट पाई बाइट निकालना है, तो कॉट पाई बाइट बोले तो क्या 1/10π/8 होता है ना, 1/10π/8 होता है, तो 1/√2 - 1 रैशनलाइज करो ज्यादा, और आपका आंसर क्या आएगा √2 + 1 आएगा।
कोई दिक्कत जनाब? तो बच्चा लोग 22.5 डिग्री बोले तो पाई बाय 8, साइन 22.5, कॉस 22.5, टेन 22.5, कॉट 22.5, ये चारों क्वेश्चन मैंने आप लोग करवा दिया। सो आज की क्लास में मैं आपको यही करवाने वाला था चार क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं बच्चा लोग, उसमें मैं आप लोगों को साइन 5a, कॉस 5a, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने कई बार उसको एग्जाम में देखा है, कभी कॉस 5a पूछ लेता है, कभी साइन 5a पूछ लेता है, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनाब। ठीक है बच्चा लोग, तो इसके सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से कर लेना। ठीक है, मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।